वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ एम ए थर्ड सेमेस्टर. कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू ऑल द गर्ल्स हु हैव पास्ड एम ए सेकेंड सेमेस्टर विद गुड मार्क्स एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर देम हु कुडंट सिक्योर गुड मार्क्स. ओके, इन एम ए थर्ड सेमेस्टर आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड पेपर दैट इज Edu 602, that is Educational Measurement and Evaluation. In that paper, first unit, Bloom's taxonomy comes into the first unit of the first unit of that paper. तो हम लोग आज Bloom's taxonomy से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बहुत important topic है, इससे आपसे सवाल पूछा जाएगा university के exam में भी, और कोई competitive examination भी आप देंगे तो भी Bloom's taxonomy से सवाल आता है. तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए मैं इससे शुरू कर रही हूँ ताकि आपकी रुचि बनी रहे इस विषय में. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखो. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कह रहे हैं कि इज़ ए क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन. यानी कि ब्लूम की वर्गीकी जो है एक वर्गीकरण सिस्टम है जो कि परिभाषित करती है और विभेद करना सिखाती है हमको ह्यूमन कॉग्निशन यानी मनुष्य के संज्ञान के तीन चरणों के बीच में. यानी कि कौन कौन से तीन चरण? थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सोचना, सीखना और समझना. ठीक है, तो ये तीन जो ह्यूमन कॉग्निशन के लेवल हैं उनको हमको परिभाषित भी करती है और उनके तीनों के बीच में अंतर भी करना हम किसकी सहायता से समझ सकते हैं? ब्लूम टैक्सोनॉमी की सहायता से. एजुकेटर्स हैव टिपिकली यूज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू इन्फॉर्म और गाइड द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट्स करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स. यानी कि और इसके अलावा शिक्षाविदों को किस में सहायता मिलती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से? असेसमेंट में, मतलब कि आपका आकलन करने में, सॉरी, करिकुलम यानी कि पाठ का निर्माण करने में, और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में यानी कि किस तरीके से आपसे हम अनुदेशनात्मक विधि क्या रखें, किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, कैसे सवाल पूछे जाएं. अच्छा, इसके बाद हमको ये देखना है कि ओरिजिनल टैक्सोनॉमी क्या थी. ओरिजिनल जैसे ही हम बात करते हैं वैसे ही हमको ये समझ में आ जाता है कि अब ये अपने मूल रूप में नहीं है, इसीलिए हम पहले बात कर रहे हैं मौलिक वर्गीकी की, उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे दोहराने के बाद ये किस अपने दूसरे रूप में आ गई है. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज ओरिजिनली पब्लिश इन 1956 बाई ए टीम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. यानी कि शिकागो विश्वविद्यालय में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे थे इस टॉपिक पर, उन्होंने ब्लूम की वर्गीकी को 1956 में पब्लिश किया. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कमिटीज चेयरमैन बेंजामिन ब्लूम. यानी कि कमेटी के जो चेयरमैन थे बेंजामिन ब्लूम, उनके नाम पर इसका नाम ब्लूम की टैक्सोनॉमी रखा गया. द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी वॉज ऑर्गेनाइज इंटू थ्री डोमेन्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर. यानी कि जो मूल रूप में वर्गीकी थी उसमें तीन आयामों की बात की गई थी. कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक, इफेक्टिव मीन्स भावात्मक और साइकोमोटर मीन्स मनोगत्यात्मक. तो सब में अंतर है. कॉग्निटिव का मतलब कि जो हम ह्यूमन के कॉग्निशन चल रहा है, यानी कि मनुष्य के संज्ञान में, संज्ञान का मतलब कि जो उसके ब्रेन में चल रहा है, यानी कि हम सोच कैसे रहे हैं, समझ कैसे रहे हैं, सीख कैसे रहे हैं, वो सारा कुछ कॉग्निटिव के अंतर्गत आता है. हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, क्या हमारे मन में भाव है उसको लेकर, क्या दुर्भावना है, वो सब कुछ इफेक्टिव यानी भावात्मक के अंतर्गत आता है. और हम क्या कर रहे हैं, क्या मोटर एक्टिविटी इन्वॉल्व है हमारी, वो सब कुछ साइकोमोटर के अंतर्गत आता है. ठीक. अच्छा, इसके अलावा हाँ ये बात है कि एजुकेटर्स हैव प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द कॉग्निटिव मॉडल विच इंक्लूड सिक्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन लेवल्स. यानी कि शुरुआत में जब ये वर्गीकी दी गई तो जो शिक्षाविद थे जो इस पर काम कर रहे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव मॉडल पर एम्फेसाइज किया है, जबकि इफेक्टिव साइकोमोटर पर उतना काम नहीं हुआ, हुआ भी तो बाद में हुआ है. तो कॉग्निटिव मॉडल पर जब उन वो काम कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसको हम छः चरणों में विभाजित कर सकते हैं, छः स्तरों में बांट सकते हैं. वो कौन से छः स्तर हैं? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन. और ये छोटे से बड़ा यानी कि कम से ज़्यादा यानी कि निम्न से उच्च का स्तर है. नॉलेज जो है वो सबसे निम्नतम स्तर पर है और उच्चतम स्तर पर क्या है? इवेल्युएशन. किसके हिसाब से? ये जो लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी जिन्होंने बनाई उसके हिसाब से. यानी कि अगर कोई छात्र कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसका ज्ञान उसको हो जाता है तो वो अभी भी संज्ञान के सबसे निम्नतम स्तर पर रहता है.
उसके बाद बोध होता है उस विषय का, उस प्रकरण का, उस टॉपिक का, उसके बाद हम उसके प्रयोग पर पहुंचते हैं, फिर हम उसका विश्लेषण करना सीखते हैं और फिर संश्लेषण करते हैं और बाद में हम मूल्यांकन करके बता सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, गलत है। अच्छा, अब इसमें ये बात जानने लायक है कि ये जो पहली बार पब्लिश हुआ ओरिजिनली, उस किताब का नाम था टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, हैंडबुक वन कॉग्निटिव डोमेन। ठीक। अच्छा, एक बात और खास आपके ध्यान देने वाली है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि जो ये हायरार्कियल नेचर है, यानी कि वर्गीकी का जो ये क्रम है नॉलेज से बढ़ते हुए जो इवेल्युएशन तक जाता है, उसमें छः है ना, छः को बीच में इन्होंने बाघ के ऊपर नीचे तीन तीन बांट दिया है। वो कह रहे हैं कि जो नीचे वाले तीन हैं यानी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये जो है वो थिंकिंग का लोअर लेवल होता है और एप्लीकेशन, एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्युएशन जो है वो उच्च स्तर होता है। यानी कि हम किसी टॉपिक को समझ कर, हमको ज्ञान हो जाए, हम समझ लें और प्रयोग भी कर पाएँ, तब भी हम अभी निम्न स्तरों पर हैं। उच्च स्तर पर हम तब जाते हैं जब हम उस चीज़ का विश्लेषण कर पाते हैं, संश्लेषण कर पाते हैं और मूल्यांकन कर पाते हैं। अच्छा, ये भी बात आपको बता दी जाए कि विश्लेषण संश्लेषण क्या है। विश्लेषण का मतलब उस टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ये विश्लेषण होता है, और संश्लेषण का मतलब होता है उन छोटे छोटे टुकड़ों से जोड़कर एक सार्थक चीज़ का निर्माण कर देना, सार्थक प्रकरण बन जाए, ये नहीं कि बस किसी तरह से जोड़ दिया। अच्छा, अब जो बात खास ध्यान देने वाली है वो अब आ जाइए रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी। हाँ, एक बात और ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आई, इनिशियली रिसीव लिटिल फैनफेयर, यानी शुरुआत में लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलर होके अब ये यूनाइटेड स्टेट से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन के स्टूडेंट्स इसको यूजी पीजी लेवल पर पढ़ाया जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अब ये पॉपुलर टर्म हो चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी की। 2001 में अनदर टीम ऑफ स्कॉलर्स, यानी कि और विद्वानों ने मिलकर, जिसमें कौन कौन थे, एक लॉरेन एंडरसन थे जो कि ब्लूम के ही शिष्य थे, और दूसरे जो डेविड रेथोल थे वो उनके सहयोगी थे, और उन्होंने उस टीम पे भी काम किया जिसने पहली वर्गी की 1956 में दी थी, उस टीम में भी उन्होंने काम किया। इन लोगों ने 2001 में बदलकर इसको रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी यानी कि उसको बदल दिया, और अब इन्होंने इसको जो वर्जन का नाम दिया वो कहा ए टैक्सोनॉमी फॉर लर्निंग टीचिंग एंड एसेसिंग, यानी वो वर्गी की जो हमें मदद करेगी कि इसमें सीखना, सिखाना और आकलन करना, सीखना, पढ़ाना और आकलन करना, अ रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एज इट इज कॉमनली कॉल्ड वॉज इंटेंशनली डिजाइंड टू बी मोर यूजफुल टू एजुकेटर्स एंड टू रिफ्लेक्ट द कॉमन वेज इन विच इट हैड कम टू बी यूज्ड इन स्कूल्स। मतलब कि ये इस फॉर्म में रिवाइज की गई है कि ये एजुकेटर्स के लिए अब ज़्यादा फ्रूटफुल हो सके। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या किया है, ये कह रहे हैं कि इन द रिवाइज्ड वर्जन थ्री कैटेगरीज वर रीनेम्ड एंड ऑल द कैटेगरीज वर एक्सप्रेस्ड एज वर्ब्स रादर देन नाउंस, यानी कि तीन कैटेगरी को इन्होंने नाम बदल दिया, रीनेम, दोबारा नाम दिया है, और बाकी सारी कैटेगरीज को इन्होंने नाउन से बदल के वर्ब में कर दिया है, सिर्फ ये अंतर किया है। तो नाम हमने किसका किसका बदला, नॉलेज को ये बोल रहे हैं अब रिवाइज्ड में रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को बोल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, और सिंथेसिस को बोल रहे हैं क्रिएटिंग। बस इतना इन्होंने अंतर किया है, बाकी एप्लीकेशन को अप्लाइंग बोल रहे हैं, एनालिसिस को एनालाइजिंग बोल रहे हैं, और सिंथेसिस को सिंथेसाइजिंग बोल रहे हैं, और कोई अंतर नहीं है। और अभी आपको आगे एक पिरामिड आकार में चित्र दिखेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो ओल्ड टैक्सोनॉमी या ओरिजिनल टैक्सोनॉमी है उसमें हाईएस्ट लेवल किसका, इवेल्युएशन का, लेकिन यहाँ पर जो रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी है उसमें इवेल्युएशन नीचे वाले स्तर पर चला गया और सिंथेसिस या क्रिएशन या क्रिएटिंग को उन्होंने टॉप मोस्ट पोजीशन दी है। ये देखिए बेंजामिन ब्लूम साहब की तस्वीर है, इसको भी आप पहचान लीजिए, यही ब्लूम साहब हैं जिन्होंने ऐसा काम किया कि अभी तक उस पर काम हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, कॉग्निटिव इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात मैं आपसे कर चुकी हूँ, और ये बात आप ये ध्यान रखिए, कॉग्निटिव क्या है, नॉलेज बेस्ड डोमेन है, ज्ञान आधारित इसमें कार्य आपको पढ़ना है, सीखना है। इफेक्टिव क्या है, एटीट्यूडिनल बेस्ड है, भाव आधारित है, और साइकोमोटर जो स्किल्स बेस्ड है या कौशल आधारित है। और कॉग्निटिव में 6 लेवल है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। इफेक्टिव में 5 है, वो आपको बताया जाएगा, और साइकोमोटर में भी 6 है, और साइकोमोटर को कई लोगों ने दिया है, मतलब साइकोमोटर का क्लासिफिकेशन कई विद्वानों का काम है। अच्छा, आपको मैं दिखाना चाहती हूँ ये टर्मिनोलॉजी चेंजेस, सॉरी। ओल्ड वर्जन में देखो नॉलेज है, नॉलेज के समकक्ष, न्यू वर्जन में क्या आ गया, रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन के समकक्ष आ गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग हो गया, एनालिसिस एनालाइजिंग हो गया, सिंथेसिस
ऊपर चला गया है क्रिएशन की जगह क्रिएटिंग होके, और इवेल्युएशन नीचे आ गया है इवेल्युएटिंग होके। बस इतना अंतर न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में है। हमको याद रखना है ओल्ड वर्जन बेंजामिन एस ब्लूम के नाम पर है, और न्यू वर्जन को दो लॉरिन एंडरसन और डेविड रैथहोल ने 2001 में दिया है। अच्छा, और क्या खास बात हमको ध्यान रखने वाली है कि जो न्यू टर्म्स हैं इसमें, इन सारे का इन्होंने अर्थ समझाया है कि इसका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग है क्या। रिमेंबरिंग क्या है कि जब हम कोई भी तथ्य, कोई भी कंसेप्ट को हम याद कर पाते हैं, जैसे संज्ञा की परिभाषा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हम कुछ नहीं जानते हैं संज्ञा के बारे में, सिर्फ हम याद कर पा रहे हैं जो हमने संज्ञा की डेफिनेशन, परिभाषा बचपन से याद की है, यानी कि हम डेटा को रिट्रीव कर पाएँ, रिकॉग्नाइज यानी पहचान पाएँ, और रिकॉल का मतलब पुनः दोहरा पाएँ। अगर याद करने से हमको याद आ जाए अच्छा ये बात थी, तो हम कॉग्निशन के कौन से लेवल पर हैं, रिमेंबरिंग, ठीक। और वो भी हम कहाँ से याद करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी से, यानी बार 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 अगर आपने पढ़ा है तभी आप बता पाएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम वन स्टेप अहेड जाएं, वन स्टेप एक चरण और ऊपर चढ़ जाएं। तो हम क्या कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में, हम किस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग यानी कि हम निर्माण कर पाते हैं अर्थ का किससे, ओरल यानी कि मौखिक हमसे बातचीत की जाए या मौखिक मैसेज दिया जाए, रिटन यानी लिखित हो और ग्राफिक यानी चित्र रूप में मैसेज हो, तो हम उससे अगर अर्थ निरूपित कर पा रहे हैं तो हम इस वक्त रिमेंबरिंग से एक स्टेप आगे चलकर अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गए। यानी कि यहाँ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं, क्लासिफाइंग वर्गीकृत कर सकते हैं, समराइजिंग यानी कि सारांश उसका लिख सकते हैं अगर हमको कोई दिया गया है लिखने के लिए, इन्फेरिंग यानी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंपेयरिंग तुलना कर सकते हैं, एक्सप्लेनिंग क्या है उसको स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन के दूसरे आयाम पर हैं, जिसको कि दूसरे लेवल पे हैं, जिसको कि अंडरस्टैंडिंग है। अप्लाइंग बहुत आसान है कि पढ़े हुए ज्ञान का अगर हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं, तो हम उसको अप्लाइंग लेवल पे आ गए। एनालाइजिंग जैसे मैंने आपको बताया, विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यानी कि ये कह रहा है कि ब्रेकिंग मटीरियल इंटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी कि जो भी सामग्री हमको दी गई है उसको उसके घटकों में, संघटकों में, संघटक भागों में तोड़ देना ही एनालाइजिंग है। डिटर्मिनिंग हाउ दी पार्ट्स रिलेट टू वन एन अदर, ये भी हमको ध्यान रखना है कि देखना होगा कि जो भाग हमने तोड़ के अलग अलग किए हैं वो आपस में एक दूसरे से कौन सा संबंध स्थापित करते हैं, उनमें आपस में क्या संबंध है, रिश्ता है, ठीक है। फिर इवेल्युएटिंग में यानी कि मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी कि हम कोई निर्णय दे सकने की स्थिति में है तो इवेल्युएटिंग। और क्रिएटिंग में होता है कि पुटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू फॉर्म ए कोहेरेंट और फंक्शनल होल, यानी कि हमें जो टुकड़ों में हमने तोड़ दिया है एनालिसिस में उसको हमको यहाँ पर इस तरीके से जोड़ना है कि वो एक फंक्शनल होल बने, यानी ऐसी संपूर्णता के संग जोड़ना है कि वो कार्यात्मक हो, कुछ कार्य कर पाए, सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे जोड़ नहीं देना है। अच्छा, एक और बात आपको बताने वाली है, ये देखिए, हम लोग ज़्यादातर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस के डायमेंशन को देखते हैं, नॉलेज डायमेंशन पर हम बात नहीं करते, या बहुत बार हमसे मिस हो जाता है, या कई बार ये किताबों में भी नहीं दिया जाता है, और हम सिर्फ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन वाला पढ़कर ख़त्म कर देते हैं इसको। लेकिन हमको देखना होगा कि ये दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक आयाम, एक जो हम दिशा में बात करें वो कॉग्निटिव प्रोसेस डायमेंशन की बात करें जो हमने अभी की, और दूसरा एक अक्ष वो भी है जहाँ पे नॉलेज के डायमेंशन की बात हो रही है, यानी कि दोनों तरफ से देखना। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि नॉलेज डायमेंशन को अगर ये बांटे तो इसको भी इन्होंने हायरार्की दी है, छोटे से बड़े की तरफ ले गए हैं। कैसे बांटा है ज्ञान को, फैक्चुअल नॉलेज यानी कि जब हम सिर्फ फैक्ट जानते हैं तो वो फैक्चुअल नॉलेज पे हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज पे पहुंच गए यानी कि फैक्ट्स के साथ साथ अब हम कंसेप्ट्स भी जान गए हैं तो हम कंसेप्चुअल नॉलेज के लेवल पे हैं, फिर अगर हम कंसेप्ट के साथ साथ प्रोसेस भी समझ गए हैं तो प्रोसीजरल नॉलेज पे हैं, और प्रोसीजरल नॉलेज के बाद हम उच्चतम ज्ञान के आयाम पे हैं जिसको बोल रहे हैं मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, जैसे अगर हम कहें मेटा थिंकिंग तो मेटा थिंकिंग का अर्थ होगा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, तो उसी तरह से मेटा कॉग्निटिव नॉलेज का मतलब क्या है, थिंकिंग अबाउट कॉग्निशन। तो जैसे मैं आपको एक्शन वर्ब की सहायता से समझाऊं कि अगर हमको द्रव्य कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, हम सभी जानते हैं। तो अगर हमको द्रव्य दे दिए जाएं, कुछ पानी हो, तेल हो, दूध हो, बालू हो, मिट्टी हो,
सोना हो, पत्थर हो, इस तरीके का दे दिया जाए सामान और हमसे कहा जाए कि इसकी लिस्टिंग कीजिए, तो हम जो कि जानते हैं कि द्रव तरलशील है और गैस वायुमंडल में है और जो ठोस है उसका एक निश्चित आकार होता है, इतना हम सब जानते हैं, तो हम इसको एक लिस्ट बना देंगे। और लिस्ट बना देंगे तब भी, अगर हम लिस्ट सफलतापूर्वक बना देते हैं तब भी हम कॉग्निटिव प्रोसेस के निम्नतम आयाम पे, यानी कि रिमेंबर पे हैं, और नॉलेज के भी निम्नतम आयाम पे हैं, फैक्चुअल पे। फिर अगर हम फैक्चुअल से ज़्यादा आगे बढ़कर किस में चले जाएंगे, कंसेप्चुअल, तब हम क्या कर पाएंगे, डिस्क्राइब भी कर पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे कि द्रव की ये विशेषताएं हैं, ठोस की ये है, गैस की ये। फिर उसके बाद अगर हम और इससे ज़्यादा वन स्टेप अहेड जाते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज पे हैं, तो हम उसको टेब्यूलेट भी कर पाएंगे, यानी सारणीबद्ध कर पाएंगे, और मेटाकॉग्निटिव में हम उसका एप्रोप्रिएट यूज़ कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम एक रो में चलें, तो फैक्चुअल हम नॉलेज डायमेंशन में अगर फैक्चुअल नॉलेज पे हैं लेकिन कॉग्निटिव में रिमेंबर पे हैं, तो क्या कर सकते हैं, हम लिस्ट आउट कर सकते हैं चीज़ों को। फिर अगर हम अंडरस्टैंड वाले लेवल पे पहुंच गए हैं तो समराइज़ भी कर पाएंगे, अप्लाई पे पहुंच गए हैं तो क्लासिफाई भी कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, हैं फैक्चुअल नॉलेज पे ही, लेकिन इधर अगर एनालाइज पे हैं तो हम ऑर्डर यानी कि उसको श्रेणी दे पाएंगे, इवेल्युएट यानी उसकी रैंक दे पाएंगे कि तुम फर्स्ट हो, तुम सेकेंड हो, तुम थर्ड हो, और क्रिएट पे यानी हम निर्माण की स्थिति में जब आ जाएंगे तो उसको कंबाइन करके कोहेरेंट होल दे पाएंगे। ठीक है, ये देखिए डायना फिशर, ये लिखा हुआ है डायना फिशर का ये मॉडल है, ये मैंने नहीं बनाया है, सॉरी। ठीक है, वाई यूज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, हाउ कैन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बी यूज, तो कुछ मैंने आपके अपने पढ़ने के लिए भी छोड़ दिया है, जो समझाने वाली बात थी मैंने आपको समझा दी है। ये देखो रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, इसका मतलब, ठीक है, यहाँ से आप जितना चाहें पढ़ सकते हैं कंक्लूज़न। तो हम एक क्विक रीकैप करें कि अभी तक हम क्या पढ़ के आए। तो हमने पढ़ा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमको ह्यूमन कॉग्निशन के 3 लेवल में डिफरेंशिएशन करना सिखाती है, थिंकिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हमने ये जाना कि ओरिजिनल टैक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम और उनके सहयोगी ने 1956 में दी। फिर हमने ये जाना कि उन्होंने उसको 3 आयामों में बांटा है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर। फिर हमने ये जाना कि कॉग्निशन या कॉग्निटिव को अगर हम बांटेंगे तो 6 लेवल में बांट देंगे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। फिर हमने जाना कि ये जाके 2001 में रिवाइज हो गई है और रिवाइज होके बन गई है ब्लूम्स, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, सॉरी ये रहा, एक मिनट, ये। और ये दी किसने है, लॉरिन एंडरसन और डेविड रेथहॉल ने। इन्होंने क्या किया है कि नाउन को वर्ब बना दिया और सिर्फ 3 चेंजेस किए हैं, नॉलेज को रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग और सिंथेसिस को क्रिएटिंग। और जहाँ पे ओल्ड टैक्सोनॉमी में जो वो रिवीजन, सॉरी इवेल्युएशन टॉप मोस्ट था, उनको एक स्टेप नीचे ला दिया है और जो सिंथेसिस था उसको क्रिएशन बना के टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुँचा दिया है। फिर मैं और आपको ये बताया गया कि कॉग्निटिव प्रोसेस के डायमेंशन के हिसाब से वर्गीकरण है, तो नॉलेज के प्रोसेस के हिसाब से भी के वर्गीकरण है। और नॉलेज के डायमेंशन के हिसाब से नॉलेज 4 तरीके की है, 4 लेवल की है, फैक्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। और कॉग्निटिव प्रोसेस का तो आपको पता ही है, तो इतना आप पढ़िए, समझिए, और जो ना समझ में आए वो फिर से पूछिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके याद करने के लिए बहुत मैटर हो गया आज, याद करिए इसको अच्छे से। ओके, चलिए।